गजीबो धाबा एंड मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट्स, द ऑथेंटिक टेस्ट इन टाउन, जहां आप दम पुख्त कुक अखा बकरा, रांच शोल्डर, फूड कुक अंडरग्राउंड फॉर 5 आवर्स, सी फूड, स्पेशल फ्रेंच एंड अरेबिक डेजर्ट, इंडियन स्वीट के साथ मॉकटेल एंड बेवरेजेस का लुत्फ उठा सकते हैं। गजीबो अब न्यू मैनेजमेंट के साथ पॉकेट फ्रेंडली भी है, विद प्लेजेंट एम्बियंस, वाइड रूम स्पेस विद 2 दस्तरखान, सिटिंग कैपेसिटी 8 to 18, इवेंट एंड पार्टी स्पेस, सिटिंग कैपेसिटी 120+, पार्किंग अवेलेबल। द ऑथेंटिक मुगलाई टर्किश अरेबिक टेस्ट इन टाउन, गजीबो धाबा एंड मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट्स। आज ही आए, हम आपका खैर मकदम करते हैं। कि मुमरा को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया गया था, क्रेडिट लेते रहो, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते रहो, सियासत के थाना में नहीं होती है, तो मुमरा गरमाया क्यों? यहाँ तो विधायक जी मानेगी सवाल, अरे तो महापालिका का काम है। नजीब नहीं आता मुमरा में तो हम आज आमदार रहते कोई और नहीं, कुर्बानी तो मुझे देनी पड़ी, हमें यहाँ आने से मना ही थी। हॉस्पिटल का प्लान सैंक्शन कितने माले का हुआ था? आधी दाढ़ी की आदत, ढाई गड़बड़ में क्रेडिट की आदत, वो बच्चे इधर भी काम करते, कचहरी के टेंडर में भी काम करते और ऑफिस में भी काम करते। प्रेजेंट करके हमारे कॉम के नाम पे खिलो मत बनाओ। हज हाउस आने से क्या मुमरा के बाशिंदों का हाजी का कोटे में अलग स्पेशल कैटेगरी मिलने वाली थी? कत्ल खाना जरूरी है कि कब्रस्तान? हैंगिंग मार्केट 1.5 मिनट में मैंने किया था। हवलदार को कमिश्नर बना दिए, कमिश्नर बनने के लिए क्या रणनीति अपनाएं? इसको कोई जगह दे देंगे ना बॉस, प्लेन भी उतर सकते, इतना रोड खाली हो जाएगा, ट्रैफिक निकल जाएंगे। आओ टोपी वाले, बनाओ बनाओ करो, पैसा हराम में गया। या तो वो खड़े होंगे या तो आप खड़े होंगे। वो बेड़ी अपने को मुमरा में तोड़ना है, औहदे पे बैठने के बाद इलीगल मानकम से कैसा पैसा लूंगा उसका परसेंटेज चमता है। मेरी तो गाड़ी पे पत्थर डाली थी, इतना बड़ा मालूम है ना। आज उनके ढाबे नहीं है, आज उनके गैर कानूनी काम नहीं है, आज गैर कानूनी घर बंगले बिल्डिंगे नहीं है, आने वाला तीसरा युद्ध तो पानी का ही होने वाला है। मिस्टर इंडिया का बटन लग रहा है। करोड़ों का बजट था तो आखिर इंक्वायरी क्यों नहीं लगवा रहे फिर आप? लगाएंगे ना। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार। मुमरा शहर की राजनीति में काफी उठापटक देखने को मिली पिछले दिनों, और अभी भी उठापटक ये जारी है, क्योंकि एनसीपी पार्टी के दो अलग अलग जब से भाग हुए हैं उसको लेकर शहर में काफी चर्चाएं हैं। और ऐसे में जो अजीत पवार गुट है एनसीपी, उसमें जसबीर शामिल हुए और उनके जन्मदिन के मौके पर जो नजीब मुल्ला है वो नहीं आ पाए थे, लेकिन आज वो उनके जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचे और जो शालीमार ढाबा है वहां पर केक वगैरह काटा गया और उसके बाद फिर उनके घर पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन मुमरा शहर की जो राजनीति है वो किसी से छिपी नहीं है कि किस तरह से राजनीति ये की जा रही है। नजीब मुल्ला हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। मुमरा शहर में आप जब से एनसीपी का अलग अलग भाग हुआ तब से आप कई मरतबा शहर में आए, लेकिन बहुत कम ही मीडिया के सामने पेश हुए, और ऐसे में जो यहाँ के विधायक हैं आप उनके काफी करीबी माने जाते थे, लेकिन जितने करीबी थे उससे कई गुना आप दूर हो गए हैं। ऐसा है कि आप कोई रोने वाला नहीं, पहले मुमरा में तवज्जा दो, करेक्शन करने को आओ तो आला कमांड में शिकायतें की जाती थी, अब तो शिकायत का कोई मौका नहीं, तो इसके लिए आजादी से आ रहे। हमेशा मेरे कॉरपोरेशन में साथियों की मुझसे शिकायत रहती थी कि आप आते नहीं है, तवज्जा देते हैं तो सिर्फ यहाँ कॉरपोरेशन से हमारे काम कराते, लोकल भी आप आइए, वही चाहने वाले लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर भरोसा किया था, वही साथ में टीम है जिन्होंने 2009 में मेहनत की थी, वो सब याद करते हैं, कुछ जूने लोग को भुला गया है, वो लोग मिलते थे जो हकीकत में कमांडर करके काम किए। कहते हैं ना कि इतिहास के अंदर सामने से 10,000 आए, हम 100 काफी थे, तो वो 100 लोगों की टीम जो अलग अलग थी तो वो हमेशा याद करती थी, बट मैं आऊ तो नाराजगी हो जाती थी कि भाई ये क्यों आ रहे, एक डर तो पहले से था ही मेरे बारे में। तो अभी आजादी है, इसके लिए खुलेआम आ रहा हूं, तो फिर हम सोचते थे हमेशा कि लोगों को हम दिलासा देते कि मैं तुम्हारे सब काम हो जाते थे, कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश करते थे कि चलो समझ के लो तुम्हारे काम कराता हूँ, तुम्हारी क्या नाराजगी है, तो वो करके कहते थे। पर्सनली आते नहीं थे क्योंकि बहुत ही टेंशन आ जाता था सबको, मैं आ जाता था तो उस दौरान। अभी तो किसी को टेंशन आए या ना आए, जो आवाम जिससे अपने को दिली लगाव है, मोहब्बत है, जिनके कामों को हमने हमेशा अंजाम दिया है,
जिनके मसले मसाइल में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, हमेशा जाती तौर पे मुकम्मल आवाम के पर्सनल पूरे इतने पैमाने पे मैं टच में नहीं था, पर जितने दिगर अदारे हैं वो कोई भी अदारा बोले उन्होंने मुझे याद नहीं किया। एक महीना ऐसा ना हो, दो महीना ऐसा ना हो, तालीमी अदारा हो, मैक्सिमम मेडिकल इंस्टीट्यूट हो या एनजीओज हो या फिर दीनी मसले हो, स्कूल कॉलेजेस, कुछ ना कुछ काम से वो मुझसे कांटेक्ट करते थे, और जब वो बुला देते थे तो मैं अवॉइड करता था कि मत करो, आपको तकलीफ हो जाएगी, तो थोड़ा सा आपके काम में कर रहा हूं ना, दुआ में याद रखो। तो आज मुमरा तो उसके बाद आना जरूरी है, जो हल्के में जो नुमाइंदे लोगों ने हम जैसे से कंधे से कंधा मिला के साथ में एनसीपी पार्टी में जुड़े, अभी लोगों को सबको हकीकत भी पता चल रही। लोगों को पहले ऐसा लगता था कि ये जितने कॉर्पोरेटर्स चुन के आए ले एनसीपी में, ये सब 2009 के बाद आए ले, इसके पहले तो यहाँ कोई था ही नहीं, और एनसीपी 2009 के बाद आई। तो हमने वो एहसास बताया कि जो कॉर्पोरेटर्स है उनके काम है, तो उनको काम को मिलने को आना पड़ता है और आते रहेंगे इंशाल्लाह। तो सियासती दिलचस्पी तो पहले से मुमरा की थी, क्योंकि मेरी हमारी आवाम, यही आवाम ने मोहब्बत दी, यही आवाम ने उम्मीदवार का चेहरा देखे बगैर 90% तो 2009 में 50% के ऊपर, सॉरी नॉट 90, 50% के ऊपर यहाँ के वोटर्स तो उम्मीदवार को मिले भी नहीं थे, या तो स्टेज पे देखे थे या तो एक जनरल मीटिंग में देते, पर्सनल कांटेक्ट भी नहीं थे, नाम भी नहीं मालूम थे, पोलिंग एजेंट कौन है, फॉर्म क्या है, कुछ मालूम नहीं था। तो वो वोटर्स ने हम जैसे सब कमांडर्स के बोलने के ऊपर एक हमने चुना था कि भाई हमको एक चुन के देने का है। तो इसी मोहब्बत करने वाले आवाम के इसमें तो आना चाहिए। तो मुमरा में कभी सियासत गरमाई भी नहीं थी और ना रहनी चाहिए। सियासत तुम्हारी सिर्फ एक वो इलेक्शन पीरियड जब लगता है, आचार संहिता जिसे कहते हैं, उसमें ही रहनी चाहिए। बट अपने जाति मामले के लिए जिनको मीडिया में रहने का शौक है, सिर्फ सबको नचाते रहो, मुद्दे में रहते रहो, क्रेडिट लेते रहो, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते रहो, मुद्दा समझने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरे दिन करेक्शन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें गलती तो तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, तीसरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा है, उससे सियासती मामला चंद सालों में मुमरा में गरमाया गया। सियासत के थाना में नहीं होती है, सियासत के दीवा विधानसभा में नहीं होती है, सियासत के कल्याण में नहीं होती है, सियासत बाजू में न्यू बॉम्बे में नहीं होती, सियासत तो सब जगह है, वही नुमाइंदे है, वही स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ है। तो मुमरा गरमाया क्यों? क्योंकि मुझे रोज आवाम के बीच में डिस्कशन में रहने का है, मुझे हर चीज की क्रेडिट लेना। मैं तो मेरे 25 साल के नगर, 20 साल के नगर सेवक के अंदर मुझे याद नहीं है पिछले 17-18 साल में नाले की सफाई के उद्घाटन को गया हूं, यहाँ तो विधायक जी नाले की सफाई, अरे तो महापालिका का काम है, सालों साल स्टीरियोटाइप काम है, वो तो काम होना है। तो वो चर्चे करके माहौल गर्म, फिर उसमें तनकीद, उसमें काउंटर, फिर काउंटर आएगा, गर्म नहीं। आचार संहिता के बाद तो हम हर एक के नुमाइंदे, दुश्मन भी आते हैं तो उसको बिठा के उसका काम करना है, सियासती दुश्मन, जाती दुश्मन तो किसी का कोई रहता नहीं, सियासती दुश्मन आया तो उसको बिठा के उसका काम करना ही हमारा फर्ज है, क्योंकि उसने वोट दिया ना हो, रिप्रेजेंटेटिव तो इज नॉट ओनली ऑफ द वोटर्स ना, वो तो वहां के पूरे आवाम का होता है, नॉन वोटर्स का भी होता है। आपने वोटर की बात की, तो जो चुनाव हुआ, लोगों ने वोट दिया, जो मैनिफेस्टो जारी हुआ उसमें कई ऐसे दावे किए गए थे कि फला चीज बना के दी जाएगी, फला चीज है, जैसे डायलिसिस सेंटर है, हॉस्पिटल है, जैसे तमाम चीजें बनाकर दी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें मिली नहीं। और एक हॉस्पिटल है उसको लेकर भी आपने बताया कि ये भ्रष्टाचार का शिकार हुआ है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वजह कुछ होती है, मेरी तो कोई पैसे की वजह नहीं है, ओहदे की वजह नहीं है, मैं ऐसा शख्स हूं जो कुर्बानी देते आ रहा हूं। जब एक वोट से हारा तो केनी फैमिली उस दौरान पे मेरे से नाराज कोई मेरे मिजाज से, मेरे रवैये से नहीं थी, वो नाराज सिर्फ इस बात की थी कि नजीब अपनी टीम के साथ मुमरा में सब नौजवान बुजुर्ग हर तबके के लोगों को इकट्ठा करके हमें शिकस्त दिया, नजीब नहीं आता मुमरा में तो हम आज आमदार रहते, कोई और नहीं।
उसका गुस्सा उन्होंने मेरे महापौर में निकाला, आज मेरे साथ है वो, कुर्बानी तो मुझे देनी पड़ी, कुर्बानी तो मुझे देनी पड़ी। तो जो मिजाज से तो नहीं होता, ये मामला है रवैये से। ऐसा है कि हमने बहुत कुर्बानी दी, जब 220 करोड़ रुपया, 210 करोड़ रुपया, 150 करोड़ रुपया जब महापालिका में सभागृह में लाना पड़ा हमको, तो उसके पीछे बहुत बड़ी जद्दोजहद थी। फोन पे नहीं कोई देती सत्ताधारी, जब उनके रोज तुम मुखालिफत बात करते हो, उसके लिए काउंटर प्रेशर सभागृह में बना पड़ता है, सत्ताधारी को फोर्स होना पड़ता है हमारी बातों पे आने के। अफसोस इस बात का हुआ कि सिर्फ ऐलान करने के पहले स्टडी होनी चाहिए, वो मुकम्मल होगा कि नहीं होगा। एक अल्लाह ताला को नाजिल रख के दिल में खौफ रहना चाहिए कि यार मैं झूठ बोलू तो कल क्या होगा। हाँ, जो इतने मैनिफेस्टो है, अब 2009 के मैनिफेस्टो में हमने सिर्फ एक ही कहा था, 100 दिन दीजिए हम लाइट में आपकी तब्दीली लाएंगे, और बेशक 100 दिन के अंदर अपग्रेडेशन का हमने काम चालू किया, बाकी कुछ वादा नहीं किया था। सफाई के सिलसिले में हमने तब्दीली लाई 2009 के बाद में, जो कॉरपोरेटर्स हमारे साथ जुड़े कांग्रेस से आए, इंक्लूडिंग राजन केनी फैमिली, समाजवादी से आए। तो जब मैनिफेस्टो मुकम्मल करने पे जो ऐलान किया गया वो प्रैक्टिकल था क्या? आज हॉस्पिटल का टेंडर निकलता है और वो टेंडर की शुरुआत होती है, जब पार्टी एक थी हमें यहां आने से मना ही थी, क्योंकि 2009 में जो 2012 में राजन केनी फैमिली में गुस्सा निकाली कि नजीब के वजह से मैं जीत के आया, वो बात ही नहीं हजम हो रही थी उन्हें जी को हमारे, ऐसा मुझे किसी ने कहा है, अल्लाह जानता है वो जानता है। मगर बेसिकली जब करोड़ रुपए आपको दिया गया, अब प्रोजेक्ट कौन सा मुकम्मल हुआ? आपको पता है हॉस्पिटल का प्लान सैंक्शन कितने माले का हुआ था? 4 माले का उसका था, फिर ग्राउंड प्लस थ्री का बने ना 2 माले। मिस्टर इंडिया का मशीन लगी हुई है ना, बटन दबेंगे तो दिखेंगे, अचानक इलेक्शन जाहिर होगा तो नहीं। हॉस्पिटल ऐसा है कि हॉस्पिटल को हमने पैसा दी, इकराजात जो हमारी पहली सैंक्शन थी उससे दुगनी हुई है, यानी बढ़ गई है पूरी इमारत, कम हो गई है। ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, पब्लिक मनी है ये, हमारा टैक्स पेयर्स और ये हमारे जनरल पब्लिक मनी है, कि मैं जो आवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूं उसका पैसा पूरा तरह मुकम्मल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्योंकि जितना पैसा उधर फंड बचेगा हम दूसरे स्कीम में ला सकते। हमने पानी की योजना दी। अच्छा, हॉस्पिटल जो है ये फुल फेस में चालू क्यों नहीं, वजह क्या? पहले दे चुका हूं, देखो ऐसा है सिलसिला, आधी दाढ़ी की आदत, घाई गड़बड़ में क्रेडिट की आदत। एक देखो ऐसा है कि जब हमें अपने आप पे यकीन होता है तो कल 2 दिन पहले भी आपने नारियल फोड़े ना तो मुझे गम नहीं है, मुझे अपने आप पे भरोसा है कि ये इमारत की तामीर के अंदर मैं ईमानदारी से काम किया हूं, कल मैं मेरे आवाम को मुतमईन करने के लिए अपने आप पे यकीन है, क्योंकि मेरा छुपा कुछ नहीं है ना, टक्केवारी नहीं है ना, वो टक्केवारी के चक्कर में हॉस्पिटल 3 का 1 तो नहीं हुआ ना, मैं कॉन्ट्रैक्टर के हाथ से दबा नहीं हूं, तो जब मुझे उद्घाटन कौन कर रहा है उसकी फिक्र नहीं है। तो ये क्रेडिट का जो मामला था, भाई गड़बड़ का मामला, अधूरी चीजों में सब हुआ, बन के पड़ा है, अरे बन के पड़ा है और 1 साल रहने दो, बट उसको मुकम्मल तौर आप जब आला महाराष्ट्र में सरकार में मिला तो बजट लेकर आओ, बजट लेकर आओ, मशीनरीज प्रोवाइड करो, वो मशीनरीज के अंदर आपको उसके अंदर फुल फ्लेज चलना चाहिए। हॉस्पिटल की तामीर हमारी जो हुई थी, मेरा लेटर एक हाईकोर्ट ने अभी ऑर्डर दी उस सिलसिले में कमेटी की, मेरा लेटर उसके हाईकोर्ट के आने के 2 दिन पहले म्युनिसिपल कमिश्नर को दिया हुआ है, मेरे ख्याल से मुमरा के सोशल मीडिया में रहेगा, कि ये हॉस्पिटल यहाँ के आवाम के लिए बनाया गया है, आप सिर्फ गवर्नमेंट की योजना को उसके अंदर उपलब्ध करते रहेंगे टेंडर के अंदर, तो चेंज द टेंडर, आई प्रोटेस्ट, इसके अंदर इट शुड बी रन एज ए जनरल स्पेशल केयर हॉस्पिटल, जनरल प्लस स्पेशल केयर, यानी कोई बीमार पड़ा है, फ्लू आया तो वो भी ट्रीट होना चाहिए, किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ तो वो भी ट्रीट होना चाहिए, और ये फ्री जो शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल है उस धरती पे होना चाहिए।
आधी दाढ़ी, कोई सोचा उस बारे में? एक जनरल डे केयर ओपीडी टाइप चालू कर दिए, भर्ती किए, कोविड वाले बच्चे को रखे, वो बच्चे इधर भी काम करते, कचरे के टेंडर में भी काम करते और ऑफिस में भी काम करते, 24 घंटे में वो तीन जगह 8-8 घंटे की ड्यूटी करेंगे क्या? बोले नाम है मेरे पास। तो ये तुम्हारा वेस्टेड इंटरेस्ट है ना छुपा, उसकी वजह से हॉस्पिटल हुआ। बट मैं इतना यकीन दिलाता हूं, मैंने कल भी प्रोटेस्ट किया और मैं प्रोटेस्ट आप लोगों के आवाम को बनाऊ लेकर आओ, फोटो निकलो और भूलने वाला नहीं, मुकम्मल तौर पे वो मंजिल पे पहुंचा गया, हम बोलेंगे ये हमने किया। अच्छा मुमरा शहर के ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, बच्चों से जुड़ा मुद्दा है, खेल का मैदान है, स्लाटर हाउस है, गर्ल हॉस्टल है, अभी हज हाउस का मामला था लेकिन वो तो सुन में आ रहा है कि नवी मुंबई साइड में कहीं बन रहा है, तलोजा साइड में कहीं है। तो क्या पूरा ये है कि शहर के लोगों को क्या वाकई में गुमराह किया जा रहा है या वाकई में ये सब चीजें मिलेंगी? मुझे बताइए यहाँ जरूरत किस चीज की? मैं बताऊं आपको, सबसे पहले अब हज हाउस की बात की, हमेशा जो चीज की मैं मुखालिफत करता हूं कि हमारी कौम बेशक आज जद्दोजहद कर रही है बट अल्हम्दुलिल्लाह इतने बुरे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह माली हालत से भी है, तालीमी रास्ता भी है, तिजारत के मामले में भी, हर चीज में हम बिजनेस से लेकर हर चीज में हम आला है, मगर जो हमको प्रेजेंट करके हमारे कौम के नाम पे खिलौना बनाओ, मुझे हज हाउस से अच्छा छोटे छोटे कम्युनिटी हॉल मिलते ना जिधर गरीबों की शादी हो सकती है, जिधर छोटे मोटे प्रोग्राम हो सकते हैं, जिधर 25,000-50,000 के भाड़े ना देना पड़े, नॉमिनल चीज में एक बना के देते हैं आप, जिधर इट कैन बी यूज एज ए यूटिलिटी सेंटर, इट कैन बी यूज एज ए हॉल, टाइम पे कभी इमरजेंसी के अंदर किसी को रहने को देने का तो वो जगह मुहैया करी जा सकती है। छोटे कम्युनिटी सेंटर्स मुमरा वास्ट के अंदर ही दो एमिनिटी प्लॉट के अंदर वो कराए होते तो इजी होता था। हज हाउस आने से क्या मुमरा के बाशिंदों का हाजी का कोटे में अलग स्पेशल कैटेगरी मिलने वाली थी क्या? मुमरा कौसा में रहता तो ये 10% कोटा तुम्हारे लिए हज हाउस तुम्हारे एरिया में, मुंबई में तो मुंबई संभाग क्रॉफर्ड मार्केट के आजू बाजू ही रहते थे, मिलने वाली थी कोटा, मिलने वाला था, नौकरी मिलने वाली थी, सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी मिलने वाली थी, हाँ कॉन्ट्रैक्टर को केटरिंग का धंधा मिलता था उसके हॉल के अंदर, उसमें कटिंग हो सकती थी। लेकिन स्लाटर हाउस में नौकरी मिलती थी, अगर स्लाटर हाउस बनता उसमें शहर के लोगों को नौकरी मिलती। मैं सच बात करूं, अवार्ड साहब ने जब हमारा, आज भी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, सियासती सोच अलग है, एक आवाम को कोई भी टेक फॉर ग्रांटेड लेता है तो सियासती के अंदर ही आवाम ने जो मोहब्बत की इसके लिए हमारी राह अलग है। तो उन्होंने मुझे पूछा था वो स्लॉटर हाउस जिधर कब्रस्तान है उधर था, वो टेंडर भी निकाला गया था, उनके एक दोस्त ने टेंडर भी दिया था, जब मुझे पता चला तो मैंने उसका बहुत ही प्रोटेस्ट किया, मतलब नहीं होगा, कब्रस्तान वो साइड नहीं था पीछे था, मुझे वो जगह पसंद नहीं आई थी। सुनील मित्तल का इनकी बात के लहजे के ऊपर से निकाल दिया था, सुनील मित्तल जगह देने तैयार नहीं था, तो सुनील मित्तल मेरा बहुत अच्छे दोस्त थे क्योंकि वृंदावन सोसाइटी जो राबोड़ी के बाजू में लग के है वो सुनील मित्तल ने बनाई हुई है, तो बहुत से वक्त मेरी मुलाकात होती थी वहां के कुछ मसले मसाइल के लिए, तो मेरा अच्छा रहा, तो मैंने उसने मुझे शर्त रखा कत्ल खाना नहीं करूंगा या मैं कब्रस्तान आप करते रहे तो करूंगा। तो मेरे को आवर साहब ने पूछे थे कि कत्ल खाना जरूरी है कि कब्रस्तान, तो मतलब कत्ल खाने में तुमको पार्टनरशिप मिल सकती हो क्योंकि प्राइवेट टेंडर निकला था, जब भी आज भी रिकॉर्ड है कॉरपोरेशन का टेंडर की नोटिस ब्रिटिश डॉक्यूमेंट है मेरे पास और भरने वाला आदमी भी है, तो मतलब वहां दो पैसे हो सकता है आपको कुछ फाइनेंशियल मिल जाएगा, मगर मैं तुम्हारी जगह पे रहता तो मेरे लिए आखिरत जरूरी है, मैं कब्रस्तान पहले बनाता और कत्ल खान को बाद में। ये वजह थी कि वो कब्रस्तान आया, शिफ्टिंग का वो प्रपोजल मैंने सैंक्शन किया कमिश्नर के लिए, सुनील मित्तल और मेरी तकरीबन संडे का दिन था, मेरे ख्याल से सितंबर का ही महीना था 2015, संडे के दिन मैं सुनील मित्तल को जयसवाल साहब के घर पे लेकर गया और उधर नक्की हो गया, और उधर नक्की होने के बाद उसने बोला कल मैं
आपको हैंड ओवर का लेटर देता हूं, और नेक्स्ट डे या एक दिन बाद उसने वो लेटर, जो भी हैंड ओवर की प्रोसीजर थी, मिलने को आया था, उसके बाद वो संडे को उसने कब्रस्तान हैंड ओवर करके दिया, तो कत्लकांड भी होगा। और बेशक अभी तो बहुत अच्छी बात है, देखो सबर का फल मीठा होता है। अब तो ऐसा है कि अकोमोडेशन रिजर्वेशन आ गया है, उसके अंदर कत्ल खाने में कल जो हमारे पैसे लगने वाले थे कॉरपोरेशन के या सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के, वो नहीं लगेंगे। अकोमोडेशन रिजर्वेशन में हमको कत्ल खाना बन के मिलेगा, जो डेवलपर रहेगा उसको उसका कंस्ट्रक्शन TDR मिलेगा, और प्रोविजन बहुत अच्छे, उससे हम बैठेंगे, उसके साथ बैठ के बेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट कत्ल खाना, जिसमें मैक्सिमम उसमें रोजी रोटी अभी कहां मिलेगा। कत्ल खाना इंशाल्लाह मेरे ख्याल से अक्टूबर में अपन प्लान बता देंगे इंशाल्लाह आपको, सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर, और इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन का मैं आपको बुलाऊंगा खास, और प्रेजेंटेशन भी हम दे देंगे कत्ल खाने का, अकोमोडेशन रिजर्वेशन में प्लान सबमिट मेरे ख्याल से हो जाएगा आज या कल में, और प्राइवेट, क्योंकि वो रिजर्वेशन की जगह है तो रूल के हिसाब से 50% रिजर्वेशन कॉरपोरेशन को फ्री में देना है, और उसपे बना के देंगे तो उसका TDR लेना है 50% पे, डेवलपर यू कैन बी यूज, तो अकोमोडेशन हब रिजर्वेशन में आ गया, गार्डन से लेके सब जगह, तो बेशक आपको वो तकरीबन उम्मीद है अगले बकरी तक उसकी तामीरी फुटिंग और उसका काम तो शुरू होगा, क्योंकि थोड़ा सा खाड़ी के किनारे तो हो सकता है, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से पाइलिंग को करना पड़ेगा। इंशाल्लाह साल दो साल के अंदर मुमरा को कत्ल खाना जरूर मिलेगा। रही बात सेकंड गार्डन और उसकी, बोलते हैं एक हॉकर जोन का भी मुद्दा है पूरे रोड, अरे वो तो आया ना स्काई गार्डन मैं पहुंचा इधर, मैं तो हम लोग ने मेरे से 1.5 मिनट में सभागृह में सैंक्शन किए थे, हैंगिंग मार्केट 1.5 मिनट में मैंने किया था, मजाक उड़ा रहे थे उधर, तो मैंने कहा नथिंग डूइंग, नेताजी ने कहा खत्म हो गई बात, हैंगिंग गार्डन मंजूर, और मंजूर करके लिए थे पहुंचा ने। भाभी अभी बहुत से गाले बने हुए, किसके दरअसल वो गाले हैं, कौन है वहां पर, तो कोई हॉकर गए नहीं, हॉकर सब रोड पे। साहब ऐसा है कि हवलदार को कमिश्नर बना दिए, तो हवलदार तो हवलदार के लेवल पे ही काम करेगा ना, कमिश्नर का रुतबे से क्या होता है, आप समझे मेरी बात। अभी तो गाले आप वो अभी जो वो क्लास है वो क्लास तो वैसा ही रहेगा ना साहब, छोटे मोटे मुर्गी के डब्बे में ही रहेगा। तो अभी थोड़ी बड़ी सोच, अभी कलवा मुमरा के आप कमिश्नर बनने के लिए क्या रणनीति अपना रहे, कमिश्नर बनने के लिए क्या कर रहे हैं आप, फिर हवलदार को अगर कमिश्नर बना दिया गया है, नहीं नहीं तो नहीं आप क्या कर रहे हैं, नहीं नहीं बना रहे, हम तो इलेक्शन DG का लड़ेंगे, आप समझ गए अभी कमिश्नर कौन है। बात ऐसी है इस्लामुद्दीन भाई, ऐलान ऐसा करो जो पॉसिबल है, एक दिन में कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीजें नहीं होती है, उसके लिए प्रॉपर फॉलोअप लगता है, टेक्निकल नोहाउ लगता है, उसकी दिक्कतें हमको बहुत पार करनी पड़ती है। मैं आपको बताऊं 2008 में मैंने राबोड़ी की क्लस्टर की बुनियाद रखी थी, जब उसका नाम क्लस्टर में था 33-9 में, जब से हम मेहनत कर रहे थे, मैं आज भी 2013 का और 14 का 13 का आपको असीम गुप्ता साहब और मेरा मेल शेयर किया होगा, जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वो और मैंने क्लस्टर का बनाया था, आज कोई प्लिंथ आई नहीं है, बट इतना यकीन के साथ बोल सकता हूँ एक तब्दीली होंगी ना वो रुकेंगी नहीं, जो शुरुआत होगी उसके लिए बहुत स्टडी मेहनत होगी। हॉकर्स जोन है, हॉकर्स जोन तो मेरे ख्याल से आप स्काई का नहीं, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ आपसे, हमने तो हॉकर जोन पवार साहब के हाथ से उद्घाटन किया था ना, उसी का मैं बात कर रहा हूँ जहां पर गाले बने हुए TMC स्कूल के पीछे, नहीं हाँ वो जो उद्घाटन किया ना, हाँ पार्टी तो किसी को मिली थी किधर तभी, बेसिकली ऐसी है वो रिजर्वेशन का प्लॉट था, और वो रिजर्वेशन का प्लॉट वॉज द फर्स्ट रिजर्वेशन ऑफ मुमरा जो TDR के बेस में हैंड ओवर हुआ था फ्रॉम वीरानी फैमिली। स्टडी ने आप 100 लोग आए साहब हॉकर्स मार्केट, इसको कोई जगह दे देंगे ना, बस प्लेन भी उतर सकते, इतना रोड खाली हो जाएगा, ट्रैफिक निकल जाएंगे, अच्छा चल घूमने को निकलते, ये खाली जगह आओ टोपी वाले बनाओ बनाओ करो, पैसा हराम में गया, इसकी इंक्वायरी लगेंगी ना इंक्वायरी, तो मैं बेशक कहता हूं कि कोई बचेगा ना
अरे तुमने पब्लिक पैसे का क्या किया, जगह मुकर्रर ने कुछ ने, बेनिफिट हुआ आवाम को और आवाम का बेनिफिट नहीं हुआ रहेगा, और उसका 1,00,000 रुपया भी वो कॉरपोरेशन का फंड वेस्ट हुआ रहेगा, तो क्या उसके अंदर यहां की आवाम का कंट्रीब्यूशन नहीं है टैक्सेस का? हमारा पैसे के लोग ने फजूल अपने बेवकूफी अपने अंध भक्तों के नाद में लग के नहीं किए, हैंगिंग ऑर्डर, इट इज यू नो समथिंग हैज टू बी सॉर्ट आउट कि रिजर्वेशन के अंदर फोकस किधर से भी किधर नहीं उठा सकते। एक स्टीरियोटाइप मेंटालिटी होती शॉपिंग की, इंसान वही जाता है, तो तुमको वो स्टडी करना होता है, उसके अंदर स्पेस क्रिएट करनी होती है, उसके अंदर बातचीत करके क्रिएट करना होता है। अननेसेसरी जो सोचे वो उधर, वो चीज के अंदर आप मन बोले इधर कर उधर कर, उस तरीके से होता नहीं। हॉकर्स में किधर लेके जाके ले दूर रख दू, मगर जो आवाम है एक सेंटर प्लेस होता है और वो सालों साल बढ़ता है, 50 का 100 होता है, 100 का 400 होता है, 400 का 500 होता है, फिर यूनियन आती है, वेस्टेड इंटरेस्ट आते हैं, तो कार्रवाई करने वाला एक और उनसे वसूली करने वाला दूसरा जी रिश्तेदार। अभी मैं खुल के नहीं बोलता, नहीं तो इशारा एकदम साफ हो जाएगा, रुक के थोड़ा रखेंगे ना आगे के लिए तो साफ हो जाएगा। तो मामला ऐसा है कि हॉकर्स में इंटरेस्ट भी मेरा, कमाई भी मेरी और मुखालिफत के लिए आके एक्टिंग भी मेरी करने का। तो ये जो मामला होता है हॉकर्स, एक बहुत डेलिकेट इश्यूज को बहुत बैठ के उनसे सलाह मशवरा करके करना पड़ता है। तो हॉकर्स मार्केट यहां बना है, पैसा वेस्ट हो गया, टूट गया, कुछ नहीं बचा, और जो बचा हुआ था उसके बाजू में तो मेरे म्युनिसिपल स्कूल का कुछ क्लासेस चालू कर दी, वो बाजू के सामने वाले एरिया में एंट्री के अंदर, हैंगिंग मार्केट तो हो गया है ना, हैंग हो रहा है, आ जाएगा नीचे इंशाल्लाह। अभी जो मुमरा कौसा की आवाम है वो कहीं ना कहीं राजन तीने हो गए या आप हो गए या जितेंद्र, तीनों लोगों का ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में जो है टक्कर रहे। आपको थोड़ी सी कुछ गलत नहीं, केनी सवर में एक है, या तो वो खड़े होंगे या तो आप खड़े होंगे चुनाव में, हो सकता हम दोनों ने खड़े हो तीसरा खड़ा हो तो एनसीपी से कौन रहेगा फिर तीसरा? अरे अभी तो बहुत बदल होने वाला है, उसका कुछ इंतजार मैं इतना कहता हूं, जो तकलीफें और जो रवैया आपकी यहाँ की आवाम को हमारे जरिए मिला है उसके लिए माफी चाहता हूं, तो करेक्शन होगा। सियासत को सिर्फ सियासत के पीरियड में देखा जाएगा, बाकी सिर्फ खिदमत होगी, सिर्फ खिदमत होगी, यहाँ खिदमतगार आएगा, हुक्मशाही करने वाला कोई राजा या बादशाह नहीं आएगा, इतना मैं कहता हूँ, सिर्फ खिदमत। अच्छा कई बार थाने में जो है जितेंद्र भट्ट के पुतले फोटो वगैरह लगा के जलाए गए, चप्पल जूतों से फोटो पे मारा गया, और आपके कार्यकर्ता बयान दिए कि ये नजीबुल्ला के नेतृत्व में हुआ है, ऐसा है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कभी एकदम करीबी थे और जो है अब अलग होने के बाद फिर इतना द्वेष? ऐसा नहीं है, अब ऐसा है कि जो मेरा दुश्मन है वो भी मेरा नाम लेता और कार्यकर्ता भी मेरा नाम लेता, मेरा नाम सब लेते तो मैं करूं क्या, दुश्मन को कुछ हुआ तो मेरा नाम, कार्यकर्ता ने कुछ किया तो मेरा नाम, अच्छी बात है ये। देखो जैसी करनी वैसी बन, जब तुम हर चीजों में कुदी मारोगे तो ये सब होने वाला है ना, और वो रिएक्शन कार्यकर्ता का था, और आप वो वीडियो देखिए, और वो वीडियो में जो कार्यकर्ता दिख रहे हैं ना, वो कार्यकर्ता का बैकग्राउंड देखे कि उनको किस तरीके से दबाया गया, जो ईमानदारी से हकदार थे उनको कैसा जाती तौर पे उनको सियासत से पीछे किया गया, अच्छे काम करने वाले को सिर्फ वो नजीब के साथ घूमता है तो उसको कैसा निकाल के दूसरे को बिठाया गया, जो हकदार था उसको झूठा घुमा घुमा के कैसा उसको गुमराह किया गया। वो कार्यकर्ता के पीछे जानो कि वो कार्यकर्ता का जो इंसान के पीछे सामने पहले वो जिंदाबाद करते थे, वो कार्यकर्ता इतने गुस्से में क्यों आई, बेड़िया टूट गई, वो बेड़ी अपने को मुमरा में तोड़ना है कि आज आप बहुत से जो
व्हाट्सएप पे हमारे खिलाफ बोलते रहते, आपके अभी इंटरव्यू देते बड़े बड़े नेता, अब क्या हो गया, राष्ट्रवादी हमारे पास पूरी आ गई ना, यहाँ के नुमाइंदे भी मैक्सिमम आ गए ना, तो आजकल तो बुमराह में नए नए नेता आपके इंटरव्यू पे दिखते हैं हमको, 1200 वोट भी लिए कि कितने जो भी वोट लिए मुझे मालूम नहीं है, वो पार्टी के बेस पे लिए रहेंगे, आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह देखेंगे। तो बात अच्छा नजीम भाई, आप जो कह रहे हैं कि मुमरा में आने के लिए बेड़ी लगी, तो ऐसा क्या वजह क्या थी आखिर की जो है बेड़ी लगी हुई थी, फुलके आ नहीं पा रहे थे, फुलके मामले को बोल नहीं पा रहे थे। इस मामले में अजीत दादा कभी आएंगे ना, उनको पूछ लेना कि बड़े सब कितनी बार नजीब को समझाने को और नजीब को ठंडा करने को आपको फोन करते थे, कटआउट में फोटो लगा तो बड़े सब का फोन जाता था। ऐसा था कि मुमरा को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया गया था और कानून के हिसाब से कंपनी में 3 डायरेक्टर रहते, वो फैमिली में ही दिए गए थे, तो उसके हिसाब से कोई भी इंटरफेयर करे तो मेरा मतदार संघ तो मनमानी मत करो। मैं आपको कहता हूं जो आज भी उधर है ना उनके साथी, उनको कभी पूछ लेंगे ना, वो बोलेंगे नजीब जो बोल रहा है सच है, हम नजीब के पास शिकायत लेके जाते हैं। और ये जितने आज अंधभक्त मुजाहिद के तौर पे सामने सुसाइड बॉम्बर के जैसे घूम रहे हैं ना, वो तो मेरे साथ कभी बैठेंगे, और आप कभी गुफ्तगू माइक रख के रखो बाजू में, क्योंकि माइक के सामने तो बैठेंगे ही नहीं उन लोग, रखो मैं बता दूंगा एक एक ने क्या क्या बात कर रहा था 2 जून के पहले तक, 2 जुलाई के पहले कौन क्या क्या बात कर रहा था उनके बारे में। तो उस बारे में तो मुझे गिरना नहीं है, बट बेड़िया जो लगी, क्योंकि वो राजू अंसारी मौजूद है, उनके वालिद साहब कैसा था, जब मैं चुनके गया था उनके बाबू है मेरे बाजू में बैठे थे, मैं पीछे आई एम बैक बेंचर थे ना हम लोग पहले, तो बाजू में पीछे बैठे थे, उनका डायलिसिस चल रहा था तो हमेशा मेरे साथ में बैठे थे, मेरे से बातचीत होती थी, तो ये आते थे अब्बा को छोड़ने बैठे तो मेरे से बातचीत होती थी। आज मेरे बोलने में 2017 का इलेक्शन लड़ने के पहले बाबू भाई के घर में 2 नगर सेवक थे, नगर सेविका थे, ठीक है नहीं, मगर वो नजीब मुल्ला की बात करके राष्ट्रवादी में आया और एक सीट लिया, लिया कि नहीं लिया, जो विशु भगत जिसकी टिकट काटी गई, क्यों काटे अल्लाह जानता है, आज तक मेरे को उसका जवाब नहीं दिया, जो चुन के आने के बाद में एक वोट हमारे आगाड़ी में फॉर्म होता है, ये सब बता रहा हूं इसके लिए कि बाद में जो गाड़ी के सपने में ओहदे लिए उनको कुछ मालूम भी नहीं कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है पार्टी का, एक सीट वो ऐड करने से हमारे एक स्टैंडिंग का मेंबर ज्यादा जा रहा था, परिवहन में ज्यादा जाएगा, हर कमिटी में ज्यादा जा रहा है, वो पॉइंट परसेंटेज होता है, इधर तो ओहदे पे बैठने के बाद इलीगल मानकाम से कैसा पैसा लूंगा उसका परसेंटेज चमता है, ये एक पॉलिटिकल परसेंटेज था, तो वो पॉलिटिकल परसेंटेज के अंदर विशु के पास मैं गया, उसको बोले आखिरी साल इसको प्रभाग समिति देंगे स्थायी समिति दे, वो भी नहीं दिए, तो वो चीज हमने जब जोड़ी थी उनसे जाके पूछो कि नजीब जब झगड़ा करता था कि यार ये वादा किए तो किसके पास मेरी कंप्लेंट होती थी आला कमांड में, मैं तो मेरे लोगों के लिए लड़ रहा था ना, पार्टी के ही नुमाइंदों के लिए लड़ रहा था ना, कि तुम अपना मलकियत समझ के एक मतदार संघ आपको दिया गया है, तो मतदार संघ के पहले लोग है, हर एक अपना ताकत में था, हर एक अपनी ताकत में था, जो शमीम भाई मेरी तो गाड़ी पर पत्थर डाले थे, इतना बड़ा मालूम है ना शमीम भाई ने, इलेक्शन की एक रात पहले जब मेरे को ढूंढ रहे थे, राजू अंसारी मेरे को आपने जो एक दोस्त के पास लेकर गया था, हसमत परकारी हो सब मेरे अजीज दोस्त थे, आज मैं जब शमीम भाई एक अच्छा काम कर रहे थे भाई साहब के साथ में, मैं उनके ऑफिस में मीटिंग किया और हमारे एक बाहर का बंदा था जिन्होंने मदद किया, शमीम भाई का रुझान बदल गया कि आप एनसीपी में आइए, पार्टी को मजबूत करना हमारा मंशा था, किसी के हाथ में देखे अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना मसला था, जब 3-4 साल में देखा कि हवा बहुत ही ऊपर तक चली गई, पानी नाक के ऊपर गया, तो हमको ये फैसला लेके ये भूमिका लेनी पड़ी, फिर हमने नेता को आज नहीं बोला, पार्टी अलग होने के पहले साहब को हमने पहले बता दिया था। अच्छा मुमरा गौसा कैसे कई नगर सेवक हैं, कई कार्यकर्ता हैं जो आपसे मुलाकात करते हैं तो फोटो वगैरह भी वायरल होती है, पहुंचती है, कार्यकर्ता और नगर सेवक डांट भी सुनते हैं, ऐसे कई मामले सामने आ चुके कि यहाँ क्यों जा रहे हैं, वहाँ क्यों जा रहे हैं, इनसे क्यों मिल रहे, उनसे क्यों मिल रहे, आपकी पार्टी का ओपनिंग हुआ था वहां भी कुछ नगर सेवक गए थे तब भी हंगामा हुआ था। सरकार में आज हमें सरकार में वो भी थे 2.5 साल, वो तो ओहदे पे थे, मैं तो बिन ओहदे का हूं,
जितने मुखालिफत में बड़बड़ करते गए उनके धाबे नहीं है टूटा। तुम हमारे सियासती मुखालिफत में हो तो जहां पब्लिक मनी का गैर वापर हुआ है वहां हम ऑब्जेक्शन लेंगे। हम ये एक मिसाल लाना चाहते हैं कि इस आवाम इस फिजा को मुमरा कौसा की हम तब्दील करना चाहते हैं कि भाई यहां सियासत 40 दिन होंगी, तुम्हारा सियासती रुझान जुदा है तो तुम्हारे पेट पे। आज हम मोमिनों ने जद्दोजहद करके अपने माली हालत सुधारने का, यानी हम मजबूर होने का किसी के पास झुकने का, हम झुकते सिर्फ अल्लाह के पास, ये मोमिनों ने याद रखना चाहिए। आज उनके धाबे नहीं है, आज उनके गैर कानूनी काम नहीं है, आज गैर कानूनी घर बंगले बिल्डिंगे नहीं है। आया एक के खिलाफ भी लेटर नजीब मुल्ला का 3 महीने में, और कॉरपोरेशन में उनको कितने मिनट लगते हैं किसी का एक्शन लगाने को, नहीं तो। और एक इंसान बताओ कि तुम किसी को मिलने गए, नजीब मुल्ला ने उसको फोन करके बोला क्यों गया, अपने आप पे भरोसा चाहिए और अपने से ज्यादा अपने रब पे चाहिए। मुमरा कौसा में एक मामला हुआ शील गांव के स्कूल का, टीएमसी का, वहां पर किसी बच्चे ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर जो किताब में थी उस पर कुछ स्क्रेच किया और वो तस्वीर बिगड़ गई थी। तो बजरंग दल से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता जिसका नाम हितेश है, वो वहाँ बच्चे की उम्र करीब 7वीं में पढ़ता है, 11 साल की उम्र है। देखो जो बच्चे से गलती हुई है उस चीज के लिए हम शर्मिंदा है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक महाराष्ट्र के आराध्य देवत है और कोई भी महान व्यक्ति के बारे में, जैसे हम स्कूल में थे ड्राइंग करते थे जो भी मस्ती करते थे, ये सब चीज नहीं होनी चाहिए, तबीयत होनी चाहिए। मगर जो बाकी का अगला मामला आपने बताया, बेशक कल सुबह सुबह मैं जोन साहब से डीसीपी साहब से बात करूंगा और जिनके ऊपर भी जो है, देखो खामियां होती है गलतियां होती है, उसका इंटेंशन देखना चाहिए, उसका इंटेंशन बच्चे का वो शक नहीं जानता है और उसने सिर्फ इसमें कर दिया तो उस चीज को माफ करके भूलना चाहिए, बट इस तरीके से हरकत से और आग नहीं बढ़ानी चाहिए। हम सब ने मिलजुल के रहना चाहिए तो इस चीज के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंशाल्लाह कल मैं सुबह बात करके आपको इत्तला। एक आखिरी सवाल है, मुमरा कौसा के आवाम के लिए आपकी तरफ से क्या आप ही चुनाव में खड़े रहेंगे विधायकी चुनाव में या कोई और रहेगा, क्योंकि टोरेंट का एक मुद्दा है बहुत चर्चा में है। पानी है, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा मिले जिस पे लगे उसके जैसे, अब पानी को कैसा भूल सकते हैं, अब पानी के मुद्दे को कैसा भूल सकते हैं। पानी का भी मुद्दा है, पानी सबसे है, मैं पानी ही तो है, मैं आने वाला तीसरा युद्ध तो पानी का ही होने वाला है, उसके ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे। जो योजना हमने 1.5 मिनट में मंजूर करके दी, जो योजना केंद्र शासन के पास भेजी गई थी और वो रद्द होने के बाद शिवसेना को हमने कंपल्स्ड किया कि आप वो योजना को मंजूर करो, जब कोविड के बाद में पैसा नहीं था तो शासन से निधि लाके उनका दे करने को लगा है। जब ये माहौल के बाद जब बेड़िया खुली और मुझे यकीन हुआ कि जो आवाम को वादा किया है 100-200 करोड़ का लाया, तो पता चला कि टक्केवारी में भूल गए कि काम हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को बाद में कॉन्ट्रैक्टर को याद किया जाता है उसके काम का दर्जा सही है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्टर को याद किया जाता है कि चल साइड पे क्या काम किया, बट उसकी तो जरूरत ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर का काम अपने घर में वर्क ऑर्डर के बाद में खत्म ही हो जाता है, उसने काम किया कि नहीं किया। आज 17 टाकी हमने मंजूर किए थे, वो इंक्वायरी मांग कर रहे हम, मुमरा कौसा में 17 टाकी मंजूर किए थे हमने, 13 मुमरा कौसा में तो 4 दीवा में थे, पाइप लाके डाले गए, उसमें ये भी बताया पाइप 13 टाकी मिस्टर इंडिया का बटन लग रहा है, और एक टाकी बनने को, पानी की एक टाकी बनने को तकरीबन कम से कम 2.5 साल लगता है, बिकॉज़ उसका क्यूरिंग फील्ड स्ट्रांग होता है, वो टेक्निकल क्या जाने, वर्क ऑर्डर पे खत्म होने वाला इंसान है। तो बेसिकली वो चीजें है ना, टाकी कहां गई,
तो हमारे 240 करोड़ रुपए मुमरा कौसा की प्यास बुझाने के लिए शिवसेना से जब उस वक्त सत्ताधारी से लड़के रहे, सत्ताधारी ने मोहब्बत से हमको दी, सत्ताधारी ने हमसे प्यार से दी, जबरदस्ती दी, बट टाउन की ना की है, आवाम भी जब हमने उनको मुतमिन किए ये पिछड़ा इलाका है, इधर बहुत सी तवज्जो देने की जरूरत है, और जब हमको पैसा लाए फजूल में गया, 240 करोड़ रुपए तो 6 फरवरी 2021 को गवर्नमेंट ने पैसा दी कि काम मुकम्मल करो, जब आके आवाज लिया तो टाकी का काम नहीं, बोलता जगह ने, तो मुझे बताइए मेरा काम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ऐलान करना है या मेरा काम जो जो काम है उसके दिक्कतें दूर करके उसको मुकम्मल करके उसका फैज आवाम को पहुंचाना है, क्या है मेरा काम नुमाइंदे का पहुंचाना, खत्म, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी खत्म, क्रेडिट आ गया, अब हो या ना हो मेरा एक स्टार लग गया, बताइए एक टाकी बताइए, और चार टाकी की तो जगह भी रेडी है 3 साल से। आप कह रहे हैं कि ये सब अगर बजट भी दिया गया, इतना करोड़ों का बजट था, तो आखिर इंक्वायरी क्यों नहीं लगवा रहे फिर आप? लगाएंगे ना, चिल्लाते थे आपने, अपने गार्डन का भी कहा इंक्वायरी, मैंने कहा खामियां, मैंने कहा क्यों नहीं लग रही ना, सब लग रही है, लेटर गए अभी आ जाएंगे लेटर सब, ऐसा है कि खामियां हमारे में, हमारे से जो हुई गलती हमने आवाम से माफी, मुझे नहीं अंदाजा था, क्योंकि उस वक्त मैं पूछू भी तो मुझे फोन आ जाता यार क्यों तू बुला रहा है, मैंने एक रोड की फाइल मंगाया था, मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर पैसा फजूल का जा रहा है, तीसरे मिनट में तो फोन आ गया, अरे यार छोड़ना यार तू ऐसा क्यों करता, अब आंसुओं से तो निकलते जो दो दो मिनट पे, तो हमको तो थोड़ा सा नरम दिल के हम भी तो रहम आ जाता है, रहम आ गया। आपने सुना कि नजीब मुल्ला ने बड़ी ही बेबाकी से जो मुमरा कौसा के इशू हैं उन पर बात की, और खासतौर पर जो पानी का एक अहम मुद्दा है, कई जगह पर पानी की टाकियां बनी भी, लेकिन जिस तरह से टाकियां बनी थी वहां पर टाकी जो है उसमें सुराख वगैरह क्रैक होने की जानकारी भी सामने आई थी, फिर दोबारा रिपेयर किया गया था, और कई जगह पर जो है जगह भी है लेकिन वहां पर बनाया नहीं गया है, करोड़ों रुपए का इसका जो है प्लान था, दोबारा पाइपलाइन बिछाने की बात थी, लेकिन ये काम जो है आधा अधूरा भी ऐसी पड़ा हुआ है। इसके अलावा नजीमुल्ला ने साफ तौर पर कहा कि जो हैंगिंग मार्केट कहा जा रहा था, जहां हॉकर को शिफ्ट किया जा रहा था, वहां तो कोई शिफ्ट हुआ नहीं, उसकी भी इंक्वायरी, और जो पानी का मामला है इसकी भी इंक्वायरी वो आगे, और हॉस्पिटल की इंक्वायरी को लेकर भी ये इनका आगे कदम रहेगा।